कम उम्र लखपति बिजनेस वुमेन बिस्मा खान। खला के तहकीकाती इदारे नासा ने दिए पाकिस्तानी तलबात के सवालात के जवाब। On Bright Star TV, you are watching Special Bulletin. If you are new, make sure to subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon button to get all newly notification. जब आप बाहिम्मत और बासलाहियत हों और आपके अंदर कुछ कर दिखाने की जुस्तजू पैदा हो जाए तो आप मट्टी को भी सोना कर सकते हैं। अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानना ही असल महारत है। आज हम आपके सामने एक ऐसी बिजनेस विमेन की कहानी लेकर आए हैं जो कहानी से ज़्यादा कुछ कर दिखाने के अज़्म की एक जिंदा मिसाल है। 18 साल बिस्मा खान, जिसने मुश्किल तरीन दौर में ईदी के पैसे जो कि महज 6000 रुपए थे उनसे एक कारोबार का आगाज़ किया और आज अपनी मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तान की पहली कम उम्र तरीन लखपति लड़की हैं। बिस्मा खान का एक ज़ाती कैरियर और फैशन ब्रांड है जिसे वो अकेले चलाती हैं और इसके साथ साथ वो एक रैप सिंगर भी हैं और इस हवाले से उनका यूट्यूब चैनल भी है। एक इंटरव्यू के दौरान अपनी निजी ज़िंदगी का खुलासा करते हुए बिस्मा खान ने बताया कि वो महज 17 साल की थी जब उनके वालिदैन की अलहदगी हो गई। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफदेह और मुश्किल तरीन दौर था। परेशानियों में अचानक बेपनाह इजाफा हो गया। तहम उनके पास उस वक्त दो रास्ते थे, एक या तो वो इन परेशानियों में ही अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार दें या फिर हिम्मत करके अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बन जाएं। और यूँ बिस्मा ने अपने लिए दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। बिस्मा का मज़ीद कहना था कि मर्दों से घिरे इस माशरे में जहाँ हर कोई मेरे गैर तजर्बाकार होने का फ़ायदा उठाना चाहता था और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मुझे उनसे कैसे मुकाबला करना है, मैंने बहुत कुछ सहा, पूरे सफ़र में बहुत कुछ सीखा, फिर हालात बदले और मैंने इतना पैसा कमाना शुरू किया जिससे अपने तमाम तालीमी अखराजात उठाए और महज 6000 रुपये में माशी तौर पर ख़ुद को ख़ुद मुख्तार कर लिया। बिस्मा खान ने कारोबार के हवाले से बात करते हुए मज़ीद बताया कि शुरुआत में जो पैसे कमाए उसे बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया। इस दौरान जैकेट्स भी डिज़ाइन और प्रिंट की। महज दो हफ्ते में जैकेट्स का सारा स्टॉक फ्रो हो गया। फिर बिस्मा ने अपने हेयर केयर ब्रांड में मज़ीद पैसे लगाए, इसकी मार्केटिंग करवाई, हेयर ऑयल की सेल में थोड़े अरसे के दौरान बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। बिस्मा खान ने अपनी ज़िंदगी में तमाम कामयाबियों का सेहरा अपने वालिदैन को दे दिया। बिस्मा का कहना था कि वालिदैन ने मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर सपोर्ट किया, आज जो भी हूँ अपने वालिदैन की वजह से हूँ। बिस्मा ने बताया कि वो हेयर ऑयल की सेल से तकरीबन माहवार 9 लाख रुपए कमा लेती हैं। नाज़रीन, बिस्मा खान की कामयाबी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि उनकी अथक मेहनत और सच्ची लगन का नतीजा है। बिस्मा की मिसाल देते हुए ये कहना लाजिम होगा कि कामयाबी हासिल करने के लिए कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ता है। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अपनी दूसरी खबर को शामिल करेंगे जो कि खलाई इदारे नासा से है। नाज़रीन, हालिया दिनों कराची के एक प्राइवेट स्कूल के चौथे जमात के तलबा ने अपनी टीचर की मदर से ट्विटर पर वर्ल्ड एस्ट्रोनॉट्स और खला के तहकीकाती इदारों से सवालात किए और इन सवालात के जवाबात माजी में खला में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने दिए। लेकिन इन बच्चों के लिए उस वक्त खुशी की कोई इंतहा ना रही जब नासा ने ना सिर्फ इनके सवालात के जवाबात दिए बल्कि इन बच्चों की हौसला अफजाई भी की। चौथी क्लास के 9 से 10 साल की उम्र के बच्चों के सवालात उनकी टीचर ने 14 अक्टूबर को ट्विटर पर शाया करके एस्ट्रोनॉट्स और खलाई इदारों को टैग किया था। टीचर ने अपने तलबात के सवालात को एक ख़त की सूरत में लिखकर उसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की और मस्कूरा ट्वीट को उन्होंने अमरीकी खलाई इदारे नासा समेत उनके दीगर इदारों, रिसर्च सेंटर्स और एस्ट्रोनॉट्स को टैग किया। साथ ही उन्होंने सार्फिन से भी गुजारिश की कि उनकी ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि उनके तलबात के जवाबात उन्हें जल्द अज जल्द मिल सकें। एमन नामी टीचर ने अपने 6 तलबात के सवालात को ख़त में लिखकर शेयर किया था और साथ ही उन्होंने बच्चों की जानिब से एस्ट्रोनॉट्स और खलास से मुतालिक उनके ख्यालात को भी पेश किया था। टीचर ने तलबात की जानिब से लिखा कि वो अपनी किताबों में खलाई इदारों, खलाई तहकीकात और एस्ट्रोनॉट्स से मुतालिक पढ़ते आ रहे हैं और ये कि वो इनके कारनामों से बेहद मुतासिर हैं। ख़त में 10 साल
पाकिस्तानी तालबा अलीशा ने सवाल किया कि खला की जानिब जाने वाली गाड़ियों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह 10 साल मुनाहल ने पूछा कि उन्हें अमरीकी खलाई इदारे नासा का हिस्सा बनने के लिए किस तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए। 9 साल अनाबिया का सवाल था कि खला में अब तक सबसे मुतासर कुन दरियाफ्त कौन सी है। इसी तरह 10 साल रेयान ने पूछा कि क्या ऑस्ट्रेनियर्स को खला में सफर के दौरान अपनी गाड़ी के गुम हो जाने का खौफ रहता है। 9 साल मारूख का सवाल था कि जब कोई खला की जानिब सफर करता है तो उस शख्स का रद्द अमल कैसा होता है। 9 साल हानिया ने साइंसदानों से सवाल किया कि क्या ये सच है कि जुपिटर में हीरों की बारिश होती है। नासा ने इन तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं और नासा की जानिब से इन 6 तालबात में से 3 बच्चों के सवालात के जवाबात फिलहाल दिए गए हैं और उनकी टीचर ने बाकी 3 बच्चों को जवाब देने की दरख्वास्त भी की है। इसके अलावा नासा ने पाकिस्तानी बच्चों को खूब सराहा और लिखा कि ना डर मुतलाशियों और मुफक्करीन की अगली नस्ल को मुतासिर करने में मदद पर आपके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी बच्चों की जानिब से नासा और वर्ल्ड ऑस्ट्रेनेट से पूछे जाने वाले सवालात दर हकीकत एक आसन और मुफक्कराना अमल है जिससे हमारी आने वाली नस्ल की साइंस और फिक्शन में दिलचस्पी साफ साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल बुलेटिन का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.brightstartv.live। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से ब्राइट स्टार टीवी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ब्राइट स्टार टीवी के पेजेस मौजूद हैं, उन्हें भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल की हर नित नई वीडियो को सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द bell icon button to get all newly notifications. Take good care of yourself. Dekhte rahein Bright Star TV.